नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टर डा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि जो अभी तक आपका स्टेटस स्क्रीनिंग पेंडिंग दिखा रहा है वो कब तक पेंडिंग दिखाएगा और कब तक आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं अपना भी फॉर्म दिखाऊंगा आपको कि फॉर्म जब पेंडिंग हो जाएगा उसके बाद जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद क्या चीजें दिखेंगी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगा और सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मैं दिखाता रहूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बस थोड़ा देख के चले मत जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पे पता ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्यों क्या आ रहे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, क्या आ रहे हैं कमेंट कि सर अभी तक फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है तो कब तक फॉर्म पेंडिंग दिखाएगा। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब आपने फॉर्म फिल किया तो वहां पर आप देखे होंगे वहां पर एक आपका रेफरेंस नंबर है, ठीक है, वहां पर आपका एक रेफरेंस नंबर है, उसमें लिखा हुआ है ITBP 174, उसके बाद आपका नंबर डिजिट स्टार्ट है ऐसे कर करके जो भी नंबर्स हैं। ये नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 15 से, ठीक है, ये इसका सीरियल नंबर है 15 से, फिर ये आ रहा है 16 पे, फिर ये आ रहा है 17 पे और फिर ये 18 पे एंड हो जा रहा है। इतने सीरियल नंबर ITBP ने जारी किए हैं। तो यहां से आप देखो तो 15 वाले जितने भी थे सीएम के, हेड कांस्टेबल कंबेटेंट मिनिस्टर के, उनका तो एक्सेप्ट हो गया। अभी 16 वालों का स्टार्ट हुआ है, 16 वालों का भी होना स्टार्ट हो चुका है, एक्सेप्टेड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, एक्सेप्टेड होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद 17 वालों का नंबर आएगा, उसके बाद 18 वालों का नंबर आएगा। देखिए ये यहां पर जो नंबर है ना, यहां पर नंबर हजारों में है, मतलब समझ रहे हो, ITBP को हजारों फॉर्म चेक करने हैं, लाखों में। वैसे आपको पता है करीब 3.5-4 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, 3.5-4 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, तो सोचो 3.5-4 लाख फॉर्म को चेक भी तो करना है, सबकी फोटो देखनी है, ठीक है, फोटो देखनी है और साइन देखनी है। बस ITBP को बस इतना काम करना है कि आपकी फोटो देखनी है, आपको साइन देखना है। फोटो साइन ही नहीं देखना, उसके लिए आपके फॉर्म को ओपन भी तो किया जाएगा और आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा, मेरा वहां पर रेफरेंस नंबर भी दिख रहा होगा और मेरा आपको रोल नंबर भी दिख रहा होगा, ये सब चीजें दिख रहा होगा, ये सब चीजें आप में भी दिखेंगी। आपकी स्क्रीनिंग हो रहा है, स्क्रीनिंग के साथ साथ आपको रोल नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको रोल नंबर भी दिखेगा। तो ये मत सोचिए कि केवल स्क्रीनिंग हो रही है वो मतलब कि जल्दी जल्दी कर देंगे, वो हर एक जो जो फॉर्म को वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं उसको एक रोल नंबर भी देते जा रहे हैं वो। तो अभी आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अरे अभी हमारा पेंडिंग हो गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट तभी होगा जब आपकी फोटो और साइन सही नहीं होगा। अगर आपकी फोटो और साइन सही है, धुंधली नहीं है, साइन भी सही तरीके से है, कटा पिटा नहीं है, अगर आपका नाम, जैसे मेरा नाम सूरज है, तो अगर मेरा साइन ऐसे साफ साफ दिख रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर साइन थोड़ा सा ऐसे हुआ, जैसे कि ऐसे हो गया, दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, ब्लर हो गया, साफ ही नहीं दिख रहा, तो वो वहां पर उस साइन को रिजेक्ट कर देंगे, उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपसे बोलेंगे आप दोबारा से अपलोड करो। तो अभी आपका प्रोसेस में ही चल रहा है, ITBP काम ही कर रही है, आप ये मत सोचो वो कुछ नहीं कर रही, वो काम ही कर रही है, स्क्रीनिंग करने, स्क्रीनिंग का मतलब ही होता है कि वो आपके चेक कर रहे हैं। तो इसमें टाइम लगेगा, आप क्यों इतना हाइपर, इतना परेशान क्यों रहे, आपको मेन फोकस तो रिटर्न पे करना चाहिए, आपकी रिटर्न, आप रिटर्न की प्रिपरेशन करो यार, आपकी इंग्लिश तैयार करो, हिंदी इंग्लिश तैयार करो, मैथ तैयार करो, GK GS तैयार करो, कंप्यूटर तैयार करो, ये सब में फोकस करना चाहिए। अभी आप इसमें क्यों परेशान हो रहे हो, जब आपको जब वो रिजेक्ट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा, आप देख लेना जाके उस पे। अभी आप मेरे वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, डेली कमेंट आ रहे हैं, सर फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी आपका नंबर नहीं आया है। जैसे आपका नंबर आएगा 15 वालों का कंप्लीट हो चुका है, आप 16 वालों को चल रहे हैं, 16 से फिर 17 पे आएगा, फिर 18 पे आएगा, तो इस तरह से आएगा, आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मुझे रोल नंबर भी प्रोवाइड हो गया था, अभी आपका रोल नंबर भी जनरेट हो जाएगा जब एडमिट कार्ड आएगा। अब बात रही एडमिट कार्ड कब आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, पेपर कब से होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको इन सब चीजों पे नहीं फोकस करना है कि पेपर कब होगा, जब होगा तो हो ही जाएगा, आपको फोकस करना है कि मेरा क्या क्या सब्जेक्ट वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है कि मेरी मैथ वीक है, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। आपको आपको कोई भी चीज घबराने की जरूरत नहीं, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, हमारे चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह से आपको चीजें दिखेंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, अभी आपका धीरे धीरे फॉर्म सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा, मगर टाइम लग रहा है क्योंकि पर डे काम करना पड़ रहा है, पर डे हर बंदे की फोटो देखना, साइन देखना,
एक दिन में कितना देख पाते होंगे, टीम बैठाया होगा उन्होंने, उस तरह से फॉर्म की स्क्रीनिंग चल रही है, तो उसमें टाइम लगेगा। और ये जान लो कि फिजिकल अभी नहीं हो रहा, अभी एक दो महीना तो फिजिकल नहीं हो रहा, एक दो महीना तो आप भूल जाओ, उसके लिए कोई नहीं, तैयारी करो आप अपनी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्लासेस भी मिलेगी इस चैनल पे, पढ़ाने का भी सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप तैयारी में और तेजी कैसे लाओ, अपने वीकनेस को कैसे दूर करो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।